दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेहा क्रिस्पी फूड में। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं खिला खिला और टेस्टी सा पुलाव। ये काफ़ी इजी रेसिपी है और बिल्कुल 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस यम्मी सी रेसिपी को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने बनाया है पुलाव और हम थोड़ा कहेंगे तो इस मटन की रेसिपी में मैं कर लें। तो दोस्तों इस यम्मी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे हम पहले हम काटेंगे ढेर सारा प्याज। तो हमने बड़े साइज का 2 प्याज लिया है और हम पैन में गर्म करेंगे तेल, रिफाइंड ऑयल, उसमें हम डालेंगे इतनी बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज को और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। तो इधर हमारा प्याज भून रहा है और दूसरी साइड हम दोस्तों चावल को धोकर इसे फूलने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये चावल नफीस चावल हमने लिया है, आपको जो मन है इंडिया गेट लीजिए या फिर कुतुब मीनार दावत जो चावल लेना है आपको ले सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है और फूलने के लिए रख देंगे। इधर हमारा प्याज जो है फ्राई हो रहा है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चावल को ऐड कर देते हैं और थोड़े देर के लिए चावल को अच्छे से पकाएंगे चलाकर। तो इसे हम भूनेंगे प्याज के साथ, तो अच्छे से इसे फ्राई कीजिए जब तक आपको चावल का कलर जो है चेंज होता हुआ ना दिख जाए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने नमक ऐड कर दिया है और देख सकते हैं आप चावल का कलर जो काफ़ी चेंज हो चुका है। वीडियो को मैं पॉज करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए हमारा चावल जो है भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी की मात्रा कैसे रखनी है मैं बता देती हूँ। कोई कोई चावल जो होता है वो डिपेंड करता है उस पर पानी कितना डालना है। तो एक बार आप बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप जितना चावल ले रहे हैं उसका डबल पानी को ऐड कर दीजिए। दोस्तों हमने जो तेज पत्ता को डालना भूल गए थे इसलिए बाद में ऐड कर रहे हैं। आप जब तेल डालेंगे और गरम मसाले डालेंगे उसी समय डाल दीजिएगा तेज पत्ते को। तो देखिए हमने पानी जो है डबल डाल दिया है, जितना चावल था उसका डबल। या फिर आप जो चावल है उसमें से एक उंगली ऊपर रखिएगा पानी। अब मैं इसे हो जाएगा तब मैं इसको आपको मैं दिखाऊंगी। अब दोस्तों पानी को सूखने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा पानी बिल्कुल सूख चुका है और पुलाव काफ़ी खिला खिला सा बना है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए चावल का टुकड़ा बहुत टेस्टी यम्मी बना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और आप इसे चिकन के साथ, मटन के साथ या फिर आप नॉर्मल भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। आपको मन करे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि काजू और किशमिश। तो हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरीके की रेसिपी आपको देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो जो है इंस्टेंट आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।